नमस्कार बिहारी शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। जी इस वक्त की बड़ी खबर, जी हां इस वक्त की बड़ी खबर तारापुर से आ रही है, जहां पर राजद ने अपने बढ़त को बरकरार रखा है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में की दो सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे और ऐसे में तारापुर और कुशेश्वर स्थान में आज मतगणना हो रही है। वही कुशेश्वर स्थान की बात करें तो जेडीयू काफी आगे निकल चुका है, लेकिन तारापुर में राजद ने बढ़त को बनाए रखा। आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान में जिस तरीके से राजद लगातार आगे चल रही थी और तारापुर में पीछे चल रही थी, वही कुछ चरण की गिनती होने के बाद कुशेश्वर स्थान में राजद काफी पीछे हो गई है, मगर तारापुर में राजद ने बढ़त को लगातार बनाए रखा। आपको बता दें लगभग 2700 वोट से राजद के जो प्रत्याशी है अरुण कुमार शाह, जी अरुण कुमार शाह लगभग 2700 वोटों से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि तारापुर में अब तक जो कुल वोट हुए हैं वो लगभग आपको बता दें कि राजद के जो प्रत्याशी है अरुण कुमार शाह, उनको 15772 वोट प्राप्त हो चुके हैं अभी तक, और जदयू के जो प्रत्याशी है राजीव कुमार, उनको 13060 वोट मिले हैं। वही आपको बता दें कि राजद के जो प्रत्याशी अरुण कुमार शाह 2712 वोटों से आगे चल रहे हैं। पांचवे राउंड की गिनती तक की हम आपको अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें कि तारापुर में राजद प्रत्याशी अरुण कुमार शाह इस वक्त की सबसे बड़ी सुर्खियां बने हुए हैं। अरुण कुमार शाह जो है इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं, पहले नंबर पर है, लगभग 2700 वोटों से उन्होंने लीड जो है वो लगातार पांचवे राउंड के बाद बनाए रखी। आपको बता दें कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में आज गिनती चल रही है, ऐसे में कुशेश्वर स्थान में जेडीयू जो है लगभग जीत की ओर बढ़ चुका है। 7000 से ऊपर के आंकड़े पर जेडीयू पहुंच चुके हैं, लेकिन तारापुर में खेला होने का संभव है, इसलिए कि राजद के जो प्रत्याशी है अरुण कुमार ने बढ़त लगातार बनाए रखा है। तीसरे चौथे और पांचवे राउंड के बाद भी 2700 मतों से वो जेडीयू के जो प्रत्याशी है राजीव कुमार सिंह उससे आगे चल रहे हैं। अरुण कुमार साफ होता है 2700 वोटों से, जी हाँ 2700 वोटों से अरुण कुमार आगे चल रहे हैं, और ऐसे में खेला होने का संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से कुशेश्वर स्थान में आरजेडी काफी ज्यादा तक आगे चल रही थी, लेकिन अगर सातवें आठवें राउंड की बात करें तो आरजेडी काफी पीछे हो गई है, और नौवें राउंड तक आरजेडी तो काफी पीछे ही चली गई है। लगभग वहां पर जेडीयू की जीत सुनिश्चित हो गई है, मगर तारापुर में आरजेडी ने बढ़त बनाए रखा, और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि तारापुर जो है वो आरजेडी के खाते में जा सकती है, क्योंकि 2700 वोटों से, जी हां 2700 वोटों से आरजेडी के प्रत्याशी अरुण कुमार शाह ने बढ़त बनाए रखा है। दूसरे नंबर पर अभी जेडीयू के जो प्रत्याशी है राजीव कुमार सिंह वो चल रहे हैं, लेकिन संभावना है कि खेला हो सकता है, किसी भी वक्त किसी भी राउंड में कोई भी आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि आंकड़ा जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं। हमने देखा है कुशेश्वर स्थान में इस तरीके से जो गणेश भारती है वो पीछे चल रहे थे, आगे चल रहे थे, और अमन भूषण हजारी है वो पीछे चल रहे थे, लेकिन एक वक्त के बाद जब अमन भूषण हजारी आगे निकले तो काफी आगे निकल चुके हैं। उसी तरह ठीक तारापुर में भी जो संभावना है वो बनी हुई है, हालांकि अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि तारापुर में राजद के जो प्रत्याशी हैं अरुण कुमार शाह वो इस वक्त 2700 मतों से आगे चल रहे हैं, और दूसरे नंबर पर हैं राजीव कुमार सिंह जिन्होंने 13060 वोट अब तक प्राप्त किया, और वो दूसरे नंबर पर हैं। आगे भी संभावना है कि आगे पीछे हो सकता है, मगर हम आपको तमाम जो राउंड के अपडेट है वो आपको तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि तारापुर से अरुण कुमार शाह सबसे आगे चल रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब तक के लिए धन्यवाद।